हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शानू कुट्टन सीएसई क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेन मेमोरी के बारे में। सो मेन मेमोरी हम सभी को पता है कि इसे ही हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। सो बेसिकली ये एक सेंट्रल स्टोरेज है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें हम ऐसा डेटा स्टोर करते हैं जो करेंटली अंडर एग्जीक्यूशन है। सो इट इज़ अ फास्ट मेमोरी यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। नाउ जो प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी मेन मेमोरी में यूज होती है वो है सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड चिप्स, दैट इज सेमी कंडक्टर आईसीस। सो मेन मेमोरी एक तरह की वॉलेटाइल मेमोरी है, अगर हम बात करें रैम की तो। ठीक है, इसमें भी दो तरह के टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम, दो कैटेगरीज में आते हैं। इसे देखने से पहले हम मेन मेमोरी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे वो कैसा होता है। सो मेन मेमोरी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सो मेन मेमोरी कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टोरेज सेल्स। सेल्स क्या है, लाइक ये आपको दिख रहा है, दिस इज अ सिंगल सेल। अब एक सेल में एक बिट स्टोर होता है, आइदर वन और जीरो। तो दीज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, सपोज यहाँ वन जीरो वन वन जीरो वन वन, इस तरीके से डेटा स्टोर्ड है। सो दिस ईच सेल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग आइदर वन और जीरो। एंड सेल्स जो प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस होते हैं ग्रुप्स में। इनके ग्रुप्स को हम कहते हैं वर्ड्स। ठीक है, तो सेल्स आर प्रोसेस्ड इन ग्रुप ऑफ फिक्स्ड साइज कॉल्ड वर्ड्स। सो अब जो डेटा ट्रांसफर होता है मेमोरी से मेमोरी टू और मेमोरी फ्रॉम, वो वर्ड्स के फॉर्म में ही होता है। तो एक वर्ड पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है। तो डेटा इज ट्रांसफर्ड टू एंड फ्रॉम मेमोरी इन ग्रुप ऑफ बिट्स कॉल्ड वर्ड्स। ओके, सो ये जो कंप्लीट दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, एक वर्ड दिख रहा है। सो वर्ड क्या है, वर्ड सिंपली ग्रुप ऑफ बिट्स होते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ बिट्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एक वर्ड 8 बिट्स का हो, या एक वर्ड 16 बिट्स का हो, या 32 बिट्स का है, वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली वर्ड मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ बिट्स होता है। ठीक है, नाउ हर वर्ड को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एड्रेसेस चाहिए, जिसके थ्रू हम इस वर्ड को एक्सेस करेंगे। तो वर्ड में क्या स्टोर है, डेटा स्टोर है, और वी कैन से वैल्यूज जो 1010 के फॉर्म में, और इसे एक्सेस करने के लिए हमें डिफरेंट एड्रेसेस चाहिए। तो ये एड्रेसेस भी बिट्स के फॉर्म में होती है, और जितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि एड्रेस में कितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे। ओके, तो सपोज ये 0000 है, वैसे ये कब तक जाएगा, 1111 तक जाएगा। तो इस तरीके से हर वर्ड को एक्सेस करने के लिए हमें एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। तो मेन मेमोरी इस तरीके से ऑर्गेनाइज रहती है, सच दैट उसके एक वर्ड को हम या तो स्टोर कर सकते हैं या तो रिट्राइव कर सकते हैं। ये इसका एक बेसिक ऑपरेशन होता है। सो एक मेमोरी वर्ड को एक्सेस करने के लिए हमें एड्रेस चाहिए, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ कंट्रोल कमांड चाहिए। क्या आपको मेमोरी में डेटा स्टोर करना है या लोड करना है, तो ये दो तरह के कमांड्स हम उसे दे सकते हैं। नाउ अब आती है इसी से रिलेटेड एक टर्म की, वर्ड लेंथ क्या होता है। जितने नंबर ऑफ बिट्स एक वर्ड में स्टोर हो सकते हैं एट ए टाइम, उसे हम कहते हैं वर्ड लेंथ ऑफ द कंप्यूटर। तो नंबर ऑफ बिट्स इन ईच वर्ड इज ऑफन रिफर्ड टू एज वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो अगर एक बार में जो 8 बिट का डेटा अगर स्टोर होता है तो उस सिस्टम की वर्ड लेंथ है 8 बिट। अगर 32 बिट का डेटा स्टोर होता है तो उसकी वर्ड लेंथ है 32 बिट। सो अब ये वर्ड्स को हम ग्रुप कर सकते हैं, 8 बिट्स का वर्ड 8 बिट्स के अगर ग्रुप कर रहे हैं तो वो एक वर्ड हुआ। तो 8 बिट्स को हम जनरली 1 बाइट रेफर करते हैं। अगर एक वर्ड 16 बिट्स का है तो हम कहेंगे एक वर्ड 2 बाइट का है। अगर एक वर्ड 32 बिट्स कंटेन कर रहा है तो उसे हम 4 बाइट भी कह सकते हैं। अगर एक वर्ड में 64 बिट्स है तो उसे हम 8 बाइट्स भी कह सकते हैं, और ये ग्रो हो सकता है। तो जितनी होगी वर्ड की साइज, उससे ही उसका वर्ड लेंथ की पता चलती है कि उसकी वर्ड लेंथ कितनी है। ओके, अच्छा एक और वर्ड आता है एड्रेस स्पेस। सो ये एड्रेस स्पेस क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाइबल लोकेशंस होते हैं इन मेमोरी इज कॉल्ड एड्रेस स्पेस। रेंज ऑफ एड्रेसेस को भी कहते हैं एड्रेस स्पेस। नाउ अगर ये क्वेश्चन आता है कि सपोज एक मेमोरी है, सपोज द साइज ऑफ मेमोरी इज 64 KB, मीन्स ये पूरे मेमोरी की साइज कितनी है, 64 KB की मेमोरी है, और जिसमें एक वर्ड कितने बाइट का है, एक बाइट का है। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, साइज ऑफ मेमोरी 64 KB एंड अ वर्ड साइज इज वर्ड साइज ऑफ 1 byte। ठीक है,
वन बाइट मीन्स क्या हुआ 8 बिट, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 64 KB की मेमोरी है और 8 बिट का एक वर्ड है, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है कि ये मेमोरी साइज गिवन है और इससे आपको निकालने हैं एड्रेस लाइन कितने हैं, एड्रेस लाइन या एड्रेस बिट्स कितने हैं, तो वो आप कैसे निकालेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आता है कितने नंबर ऑफ डेटा लाइंस होंगे या कितने नंबर ऑफ डेटा बिट्स होंगे। तो अगर आपको ये गिवन है और इससे आपको निकालना है तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दिया हुआ है 64 KB, इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि उसमें एड्रेस बिट्स कितने होंगे। मीन्स 64 KB के जो वर्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ 64 KB वर्ड्स है, इसे रिफर करने के लिए हमें 64 KB एड्रेसेस चाहिए। सो इस एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे। सो 64 KB को आप अगर निकालें तो दिस इज 2 to the power 6 और 1K = 2 to the power 10, तो दिस इज 2 to the power 16। तो 2 की पावर्स में आप इसे रेफर करेंगे तो ये जो 16 शो कर रहा है, 16 मीन्स आपका एड्रेस बिट कितने बिट्स का होगा, 16 बिट्स का होगा। दिस इज योर एड्रेस बिट। नेक्स्ट अगर आपको डेटा लाइन निकालनी है, मीन्स डेटा बिट्स कितने हैं, तो ये जो शो कर रहा है नेक्स्ट वाला, ये एक वर्ड कितने बिट का है, 8 बिट का। इट मीन्स आपका जो डेटा है, डेटा लाइन कितने बिट्स का हो गया, 8 बिट्स का हो गया। सो इससे हम एड्रेस लाइन्स निकालते हैं, दिस इज 16 बिट्स का हो गया, और इससे हम निकालते हैं डेटा लाइन्स या डेटा बिट्स कितने बिट्स के हो गए, 8 बिट्स के हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पर न्यूमेरिकल्स में पूछता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे मेन मेमोरी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वन इज रैम एंड अनदर इज रोम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। तो बेसिकली रैम एक तरह की वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी मीन्स अगर हम पावर ऑफ कर देते हैं, सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, तो जो भी डेटा इसमें रहेगा वो यहाँ से वैनिश हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसलिए हम इसे वॉलेटाइल कहते हैं, बिकॉज टेम्परली यहाँ पे डेटा रहता है, जब तक पावर है तब तक डेटा रहेगा, पावर जाने पे डेटा रिमूव हो जाता है। रोम एक तरह की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मीन्स अगर इसमें डेटा प्रेजेंट है तो वो परमानेंटली स्टोर्ड रहेगा, पावर ऑफ होने के बाद ये डेटा रिमूव नहीं होता है, ठीक है। नाउ दोनों में एक्सेस मेथड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है, दोनों में एक्सेस मेथड रैंडम एक्सेस मेथड ही यूज हो रहे हैं। बेसिकली अगर बात करें हम एक्सेस मेथड्स की, तो एक्सेस मेथड्स कॉमनली 3 तरीके के यूज होते हैं। वन इज रैंडम, जो कि इसमें यूज हो रहा है। रैंडम एक्सेस क्या होता है, अगर हम ऐसी मेमोरी जिसमें रैंडम एक्सेस यूज होता है, मीन्स उसमें रैंडमली किसी भी लोकेशन को एक्सेस किया जा सकता है और किसी भी लोकेशन को एक्सेस करने में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, उसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी मेमोरी का एक्सेस मेथड होता है सीक्वेंशियल एक्सेस। रैंडम एक्सेस में एग्जांपल आ जाते हैं आपके रैम एंड रोम, ये दोनों रैंडम एक्सेस मेथड्स हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस और तीसरा है डायरेक्ट एक्सेस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस जनरली क्या होता है, ऐसी मेमोरी जिसमें सीक्वेंस में या ऑर्डर में एक्सेस होता है कोई भी डेटा, वो होता है सीक्वेंशियल एक्सेस। इसके एग्जांपल होते हैं मैग्नेटिक टेप्स, जो कि सीक्वेंशियली डेटा को एक्सेस करते हैं। डायरेक्ट एक्सेस में जनरली एग्जांपल है मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, जिसमें ट्रैक्स में डेटा स्टोर रहते हैं और हर ट्रैक का अपना खुद का रीड राइट हेड होता है, और रीड राइट हेड जहाँ आके रुकता है उस ट्रैक में से डेटा एक्सेस हो जाता है, तो वो डायरेक्टली एक्सेस होता है। तो ये 3 मेथड्स हो गए, जिसमें से सबसे फास्टर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, जो कि यूज होता है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दैट इसमें कौन सा एक्सेस मेथड यूज हो रहा है, रैंडम। यहाँ भी रैंडम, दोनों में रैंडम यूज हो रहे हैं। नाउ इसमें की कैपेबिलिटी है कि ये रीड और राइट दोनों कर सकता है, बट रोम सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो भी डेटा हमने लिखा है वो सिर्फ हम रीड ही कर सकते हैं। नाउ बिकॉज ये वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल इट मीन्स जो भी डेटा है वो टेम्परली स्टोर रहता है जब तक पावर है, इसलिए हम इसे टेम्प्ररी मेमोरी भी कहते हैं, और ये एक तरह की परमानेंट मेमोरी बिकॉज ये नॉन वॉलेटाइल है, पावर ऑफ होने पे भी डेटा इसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इट होल्ड्स रन टाइम प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। जो भी प्रोग्राम्स अंडर एग्जीक्यूशन है, रन हो रहे हैं CPU में, वो इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा हमारे रैम में स्टोर होते हैं। और रोम में कैसे कंटेंट रहते हैं, रोम में जनरली प्री रिकॉर्डेड या प्री प्रोग्राम्ड कंटेंट्स होते हैं, जो कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जब ये चिप बनती रहती है तब उसमें परमानेंटली स्टोर कर देता है, ठीक है, जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते।
सो बेसिकली अब इसमें किस तरह के प्रोग्राम्स रहते हैं रोम में फिर? तो इट होल्ड्स जनरली सिस्टम प्रोग्राम्स और फर्मवेयर रूटीन्स, जैसे कि बायोस, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम बूटस्ट्रैप लोडर एक प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने के लिए यूज़ होता है। तो जो इनिशियल प्रोग्राम हम सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जैसे आप पावर ऑन करते हैं आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है, वो कैसे दिखता है विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम। तो इसका जो प्रोग्राम है ये स्टोर रहता है रोम में। कुछ आईओ ड्राइवर्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, वो रहते हैं रोम में, ठीक है। नाउ एक्सपेंसिव कौन सी होती है? ऑब्वियसली रैम एक्सपेंसिव होती है बिकॉज ये फास्टेस्ट है और रोम स्लोअर होती है। अब स्लो किस लिए होती है? बिकॉज इसमें जो हम डेटा राइट करते हैं वो यहाँ स्लोली राइट होता है और यहाँ पे डेटा फास्टली राइट होता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव भी है और फास्टेस्ट भी है। तो रैम को ही हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं या हम यूजर मेमोरी भी कहते हैं, ओके। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। नाउ मेन मेमोरी में हमने दो कैटेगरीज देखी, वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरीज, अनदर इज रीड ओनली मेमोरीज। रैम में भी अगेन दो कैटेगरीज है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरीज दैट इज एस रैम एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरीज दैट इज डी रैम। रोम में भी अगेन इसके कुछ एडवांस वर्जन अगर हम कहें सो इसमें भी कुछ कैटेगरीज है जो धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई है। सो रीड ओनली मेमोरी का पहला वर्जन आया है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट इज प्रोग्रामेबल रोम। नेक्स्ट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम EPROM। डबल EPROM इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। सो SRAM जनरली क्या होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो भी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर रहता है SRAMs में, जब तक पावर ऑन रहता है ये अपने पास रखता है उसे, दैट्स वाई इसे हम कहते हैं स्टैटिक रैम। जबकि डायनेमिक रैम में क्या होता है? इट रिटेन्स इन्फॉर्मेशन फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए ही वो इन्फॉर्मेशन को रखता है, इवन दो पावर ऑन हो तब भी। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है डायनेमिक रैम और इसका पड़ा है स्टैटिक रैम, ठीक है। इसी वजह से इसकी कॉस्ट हायर है और इसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है, बिकॉज ये जब तक पावर ऑन है तब तक डेटा रखता है, इसलिए इट कंज्यूम्स मोर पावर एंड इट कंज्यूम्स लेस पावर, ठीक है। इसकी स्पीड भी हाई रहती है कंपेयर टू डी रैम, ठीक है। और इसमें मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए हमें रिक्वायर्ड रहता है बिकॉज ये कैपेसिटर से बना होता है, और इसमें मेमोरी रिफ्रेश करने की नीड नहीं है बिकॉज ये फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। कैपेसिटर्स में जनरली चार्जेस रहते हैं जो कि डिस्चार्ज होने लगते हैं और इसी वजह से वो डेटा कुछ देर के लिए उसमें रहता है, उसके बाद डिस्चार्ज होने लगता है, तो उसे हमें रिफ्रेश करने की नीड होती है, अलग से रिफ्रेशिंग सर्किट लगती है। इस वजह से ये स्लो भी हो जाता है और इसी वजह से हमें इसे डायनेमिक भी कहते हैं, और इसी वजह से इसकी कॉस्ट भी कम होती है और स्पीड भी कम होती है एंड पावर भी ये लेस कंज्यूम करता है बिकॉज कैपेसिटर्स थोड़े थोड़े देर में डिस्चार्ज होने लगते हैं। तो और ये स्टैटिक है बिकॉज इसमें चार्ज हमेशा रहेगा जब तक पावर ऑन है, इसी वजह से इसमें पावर ज़्यादा लगता है, कंज्यूम्स मोर पावर। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो कैश मेमोरीज इसका एग्जाम्पल है। कैश मेमोरीज SRAM से बनी होती है और मेन मेमोरीज जनरली डायनेमिक रैम से बनी होती है। इसकी साइज़ हमें कम रखनी पड़ती है बिकॉज ये कॉस्टली होती है बिकॉज ये स्पीड में हाई होती है और इससे कम स्पीड होती है डायनेमिक रैम्स की, तो इसका यूज़ हम मेन मेमोरी को बनाने के लिए कर सकते हैं। इसे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें सारे डिफरेंसेस आपको और क्लियरली पता चल जाएंगे। नाउ रोम के टाइप्स अगर हम देखें तो रोम का एक एडवांस वर्जन है PROM। रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी बट इसका एक एडवांस वर्जन है PROM दैट इज़ प्रोग्रामेबल रोम। सो इसमें होता ये है कि यूज़र को एक बार के लिए हम एक ब्लैंक PROM दे देते हैं और इट कैन एंटर द डिजायर्ड कंटेंट्स यूजिंग द PROM प्रोग्राम, बट एक बार अगर प्रोग्राम हो जाता है तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस बाय यूज़र बट वंस इट इज़ प्रोग्राम इट इज़ नॉट इरेजेबल, ठीक है। तो वन टाइम प्रोग्रामेबल है और वन टाइम ही हम उसे प्रोग्राम करके दोबारा इरेज नहीं कर सकते। इसका एडवांस वर्जन आया EPROM दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसे हम एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं बट इसे हम मल्टीपल टाइम्स प्रोग्राम कर सकते हैं, और इसका भी एक एडवांस वर्जन है डबल EPROM दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसे भी हम मल्टीपल टाइम कर सकते हैं बट इससे ज़्यादा टाइम्स हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, इसमें अगर हमने एक बार प्रोग्राम कर दिया
तो इसे हम इरेज कर सकते हैं, बट किसकी हेल्प से? अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से, जिसे हम यूवी रेज भी कहते हैं। और डबल ईपी रॉम में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स, बट इसका एडवांस वर्जन है और इसे हम इरेज कर सकते हैं एक बार प्रोग्राम करने के बाद, बट इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हम इसे इरेज करते हैं। तो अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या आता है कि जब भी हम ईपी रॉम को प्रोग्राम करते हैं तो पूरा का पूरा चिप इरेज होता है और दोबारा पूरा उसे हमें प्रोग्राम करना पड़ता है, दोबारा से पूरा का पूरा डेटा लिखना पड़ता है। जबकि डबल ईपी रॉम में क्या होता है, इसमें हम पूरा का पूरा चिप हमें नहीं करना होता। अगर हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन को इरेज करके उसे दोबारा प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हम स्पेसिफिक लोकेशन सेलेक्ट करके उसे इरेज कर सकते हैं और उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो इसमें एक बाइट एट ए टाइम हम इरेज कर सकते हैं रेदर देन द एंटायर चिप्स, वन बाइट बोल ले या वन ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि इट इज़ फ्लेक्सिबल, इसमें प्रोग्रामिंग करना फ्लेक्सिबल है, हाँ थोड़ा स्लो हो जाता है बट। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन SRAM DRAM एंड PROM EPROM एंड EEPROM। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, साथ ही साथ इसे लाइक शेयर और इसमें कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।